हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट सिकुम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप आईनर से बिटकॉइन ले सकते हैं और बिटकॉइन से कैसे आईनर ले सकते हैं। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कोई वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर हम इंडिया के एक्सचेंजर की बात करें 2017 और 18 की, तो काफ़ी ऐसे एक्सचेंजर थे जिसकी मदद से हम इजी तरीके से वहां से बिटकॉइन बाय और सेल कर सकते थे। लेकिन आरबीआई के एक रेगुलेशन के बाद काफ़ी जो एक्सचेंजर थे वो बंद हो गए। एक वजीर ऐसा एक्सचेंजर है जो बंद नहीं हुआ और इस वजीर को लॉन्च हुए अब 1 साल हो गया है। तो ये काफ़ी एक अच्छा एक्सचेंजर है, यहाँ पे आप काफ़ी सारे कॉइन बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप INR से बिटकॉइन ले सकते हैं, या फिर आपके पास बिटकॉइन है तो कैसे आप उसे INR ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इसके साइट पर आएंगे तो इसके साइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। सबसे पहले जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ईमेल अपना डालना होगा, उसके बाद एक पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद पासवर्ड कन्फर्म करना होगा। उसके बाद यहाँ आई एग्री टू वजीर एक्स टर्म्स ऑफ सर्विस पर चेक मार्क करना होगा, और चेक मार्क करने के बाद नीचे साइन अप बटन पर क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उस OTP को जब आप यहाँ पर डालेंगे तो आपका अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। मेरा अकाउंट इसमें पहले से ही बना हुआ है, मैं आपको लॉगिन कर दिखा देता हूँ कैसे आप यहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं। लॉगिन होने के लिए आप लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद आपको अपना ईमेल डालना है और पासवर्ड डालना है। और डालकर जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, मोबाइल और ईमेल दोनों पे आएगा। उस OTP को जैसे ही आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। मेरा OTP मेरे पास आ गया है, अब मैं यहाँ OTP को डालता हूँ और लॉगिन हो जाता हूँ। जब आप लॉगिन पर आएंगे तो अंदर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे आप यहाँ से फंड ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने वॉलेट में फंड ऐड नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ से बिटकॉइन और जो भी यहाँ पे करेंसी है उसे आप बाय नहीं कर सकते हैं। तो फंड ऐड करने के लिए आपको फंड्स पे क्लिक करना होगा। फंड्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 प्रकार का ऑप्शन आएगा, 2 ऑप्शन बंद है, फिलहाल एक ही ऑप्शन यहाँ पे अभी अवेलेबल है। तो हम लोग उस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपको इस छोटे से बॉक्स में आपको अपना अमाउंट दर्ज करना है। मिनिमम आप यहाँ पे 1100 रुपया अमाउंट दर्ज कीजिएगा तभी तो यहाँ पे फंड जो है आपके वॉलेट में ऐड हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं फंड ऐड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है और ये क्या है। दोस्तों, ये एक USD का प्राइस है। एक USD का प्राइस INR में लगभग 71 रुपया है, और ये USD है। 1100 रुपया का जो USD में प्राइस होता है $15 होता है। तो आपको इन दोनों को कोई छेड़छाड़ नहीं करना। आपको यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको अपना अमाउंट दर्ज करना है। जब आप यहाँ पे अमाउंट दर्ज कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक बता देगा कि USD का प्राइस कितना है, और जब आपने जितना ऐड किया है उसका USD में प्राइस कितना है। और करने के बाद आपको प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ पे ये क्या करेगा कि ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये मैचिंग कर रहा है, उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो INR लेकर USD देता हो। जब ये ढूंढ लेगा उस व्यक्ति को जो INR लेकर USD देता है, तो क्या होगा कि हमारे फ़ोन पे एक वेरिफिकेशन कॉल आएगा, और उस कॉल में हमें बताया जाएगा कि जो आपके सामने डिटेल दिख रहा है उस डिटेल पर आप पैसा सेंड कर दीजिए। जैसे ही आप सेंड कर देंगे तो जिस व्यक्ति को आप सेंड करेंगे उस व्यक्ति के पास भी एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे उस व्यक्ति को बोला जाएगा कि आपको अगर पेमेंट मिल गया है तो आप कन्फर्म कर दीजिए। जैसे वो कन्फर्म कर देगा आपके वॉलेट में अमाउंट शो कर दिया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें एक पैक का ऑप्शन मिलता है और दूसरा है कैंसिल का। अगर आप इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो सिंपल आप यहां से क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं। मैं इसे कैंसिल नहीं करने वाला, बैक कर देता हूं। और यहां आपका ऑर्डर दिखेगा, जितना जितने का आपने ऑर्डर लगाया होगा इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो वाला पेज खुल जाएगा जिस पेज पे हम लोग अभी गए थे। तो दोस्तों, ये तो है अपने वॉलेट में फंड ऐड करने का तरीका। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका कहीं भी बिटकॉइन पड़ा हुआ है या फिर आपके वॉलेट में ही बिटकॉइन पड़ा हुआ है तो कैसे आप उस बिटकॉइन को लेकर यहाँ पे INR में बदल सकते हैं। या अगर आप ओजो क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, मैंने इस रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैसे आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डेली 4% मिलेगा। अगर आपका वहाँ पे बिटकॉइन पड़ा हुआ है, अगर आप उस बिटकॉइन को अपने इस वॉलेट में ट्रांसफर करके उस INR में बदलना चाहते हैं तो कैसे, सिंपल आप जाइए ओजो क्रिप्टो के अकाउंट में, और वहाँ जाने के बाद क्या कीजिए, विड्रॉ पर क्लिक कीजिए।
क्लिक करने के बाद आपसे वॉलेट एड्रेस मांगा जाएगा और वॉलेट एड्रेस जो होगा वो बिटकॉइन का होगा। उसके लिए आपको फंड्स में क्लिक करना है और फंड्स में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि जो बिटकॉइन का सेक्शन है उस बिटकॉइन के सेक्शन में आपको डिपॉजिट पे, जब आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो जो बिटकॉइन का वॉलेट एड्रेस होगा वो आ जाएगा। यहाँ से आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद सिंपल वो जो क्रिप्टो के अकाउंट में जाइए और वहाँ पे क्या कीजिए, वहाँ पे इस एड्रेस को वहाँ पे डाल दीजिए और डालने के बाद वहाँ से जैसे ही आप विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ करने के बाद हो सकता है कि आधा या फिर 1 घंटा में आपको यहाँ पे अमाउंट जो है आपने जितना विड्रॉ लगाया है यहाँ पे आपको मिल जाए। और उस विड्रॉ को अगर आप चाहते हैं अपने बैंक में ट्रांसफर करना है तो कैसे कर सकते हैं, जब बिटकॉइन आपके वॉलेट में आ जाता है तो अगर आप उसे सेल करके उसे INR में लेना चाहते हैं तो आपको एक्सचेंज पे क्लिक करना होगा। एक्सचेंज पे क्लिक करने के बाद BTC पे क्लिक करना होगा और BTC पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो सेलिंग रेट है आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अगर आपको सेल करना है तो आपको यहाँ सेल पे क्लिक करना होगा। लेकिन दोस्तों जब आप पहली बार सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपना डिटेल फिल करना होगा, जैसे आपका बैंक अकाउंट, पेटीएम नंबर और भी जो डिटेल यहाँ पे मांगी जाएगी वो डिटेल आपको दे देना है। जैसे आप यहाँ पे दे देंगे तो आपका जो पेमेंट डिटेल है यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पेमेंट डिटेल सबमिट करना है तभी आपको यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है। तो अब जब सेल पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन कि आपने अपना वॉलेट, अपना पेमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया है, तो सबसे पहले आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। जैसे आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो ये जो सेलिंग बॉक्स है आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपके वॉलेट में जितना भी बिटकॉइन पड़ा होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा और यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको कॉपी करना है, आपको इसमें से जितना भी सेल करना है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि उसका वैल्यू देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 0.50 जो है बिटकॉइन सेल करना है तो उसका INR में जो वैल्यू होता है लगभग 1900 होता है। तो अगर मान लीजिए मुझे इससे कम सेल करना है तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से इसे और कम कर दूंगा तो उसका जो INR में वैल्यू है हमें बता देगा। तो अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप यहाँ पे जो है अमाउंट बदल कर देख सकते हैं कि आपको कितना जो है वैल्यू होता है, नहीं तो सिंपल आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं आपको जितना यहाँ से विड्रॉ करना है। जब आप यहाँ पे दर्ज कीजिएगा तो आपको बता देगा कि इतना जो अमाउंट है उसका बिटकॉइन में कितना वैल्यू होता है। तो ये सब करने के बाद आपको प्ले सेल ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे ही प्ले सेल ऑर्डर पर क्लिक कीजिएगा तो आधे घंटे या 1 घंटे या हो सकता है कुछ और टाइम लगे, उसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन कॉल आएगा। उस कॉल में आपको बताया जाएगा कि आपको एक व्यक्ति पेमेंट करने वाले हैं, कृपया अपने अकाउंट को ओपन करके देखें। तो आप जैसे ही अपना अकाउंट ओपन करके देखिएगा वहाँ पर अगर आपको अमाउंट आ गया होगा तो आपको आपके सामने एक यहाँ छोटा सा बॉक्स खुल जाएगा। उस बॉक्स में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पेमेंट कन्फर्म करना है। जैसे ही आप यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो कन्फर्म हो जाएगा। अगर आपको बाय सेल करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो OGRX का एक नंबर है जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, आप वहाँ पे कॉल करके हर एक चीज़ जान सकते हैं कैसे आपको सेल करना है और बाय करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके वॉलेट में फंड आ जाता है, अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं तो उस फंड से कैसे आप बिटकॉइन ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे BTC पे क्लिक करना होगा जब आपके वॉलेट में यहाँ पे फंड आ जाएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ 2 प्रकार का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे बाय करना है तो बाय करने के लिए आपको बता दिया जाएगा कि 1 बिटकॉइन का जो प्राइस है USD में लगभग यहाँ पे इतना है और यहाँ पे अगर आपको जितने का बिटकॉइन लेना है आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। जैसे आप यहाँ पे दर्ज कीजिएगा, इससे मान लीजिए दोस्तों मैं 1100 यहाँ पे दर्ज कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये बिटकॉइन का वैल्यू बता देगा कि यहाँ पे अगर आप इतना 1100 रुपये के लेते हैं तो बिटकॉइन में इसका वैल्यू इतना होता है। जैसे आप यहाँ पे प्लेस बाय ऑर्डर पर क्लिक कीजिएगा तो आपका 2 सेकंड में बिटकॉइन जो है आपके वॉलेट में नजर आएगा। और दोस्तों आप यहाँ जो भी ऑर्डर लगाते हैं बाय और सेल का वो आपको ओपन ऑर्डर्स में यहाँ पे दिखेगा और जब वो कन्फर्म हो जाता है तो आपको कम्प्लीट ऑर्डर्स में वह दिखेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने वॉलेट में फंड ऐड कर लिया है और उस फंड से बिटकॉइन ले लिया है और उस बिटकॉइन को अगर आप चाहते हैं वो जो क्रिप्टो में ट्रांसफर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सिंपल आप क्या कीजिए, फंड्स पर क्लिक कीजिए और फंड्स पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, BTC का जो सेक्शन है उस पर आपको विड्रो पे क्लिक करना है और विड्रो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है सबसे पहले अमाउंट दर्ज करना है जितना आप यहाँ से अमाउंट विड्रो यानी अपने ओजो क्रिप्टो में ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी और भी वॉलेट एड्रेस में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं ओजो क्रिप्टो में ट्रांसफर करने के लिए आपको बता देता हूँ, तो आप ओजो क्रिप्टो में आइएगा और ओजो क्रिप्टो में आने के बाद आपको क्या करना है, ऐड INR पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उतना ही अमाउंट दर्ज करना है जितना आप वहाँ से ट्रांसफर करना चाहते हैं। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के लिए 1100 रुपये ऐड करके दिखा देता हूँ।
तो आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको जो इनका वॉलेट एड्रेस है बिटकॉइन का वो आपको शो करेगा। यहाँ से क्या करना है, आपको इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्मेशन स्टेटस आपको दिखेगा। जब आपका यहाँ पे अमाउंट रिसीव हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका अमाउंट जो है यहाँ पे ऐड हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 घंटे का टाइम आपको दिया जा रहा है। अब दोस्तों इसे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इनके एड्रेस जो है सेकंड वाला ऑप्शन उसमें आपको डालना है, और डालने के बाद आपको कुछ यहाँ पे रिमार्क लिख देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि हाय, या फिर आप जो भी दोस्तों यहाँ पे लिखना चाहते हैं, या फिर आप वो जो क्रिप्टो है लिख सकते हैं। रिमार्क लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसीड विथ विड्रॉल पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ से अमाउंट जो भी आप एड्रेस दिए होंगे उस एड्रेस में चला जाएगा। फिलहाल मेरा है अभी अमाउंट नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे यह एरर का जो मैसेज है मुझे यहाँ नज़र आया। तो दोस्तों ये है, अगर आप अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं या फिर अपने वो जो क्रिप्टो में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका यहाँ पे आपके वो जो क्रिप्टो में अमाउंट आ जाएगा तो कैसे आप उससे ओजो कॉइन बाय कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपका यहाँ फंड आ जाता है, तो फंड आने के बाद आपको क्या करना है कि बाय ओजो पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में आपको क्या करना है कि आपको अपना अमाउंट दर्ज करना है। मैं यहाँ पे 1100 रुपये दर्ज कर रहा हूँ, और इस 1100 का जो ओजो कॉइन कितना होगा वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और ये अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा तो 2 सेकेंड में आपको ओजो क्रिप्टो जो है आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है बाय और सेल का प्रोसेस। दोस्तों आने वाले वीडियो में आपको लाइव पेमेंट यहाँ पे बाय और सेल करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया है। और आप यहाँ पे अगर बिटकॉइन बाय और सेल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देखकर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कैसे बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो जानकारियाँ मैं देना चाहता था वो जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।